क्योंकि फीवर को पढ़ने से पहले ना हमें एयर स्प्रिंग जानना पड़ेगा कि एयर स्प्रिंग होता है क्या। पहले हेलिकल स्प्रिंग का यूज होता था हमारे जो ट्रेन में कोचेस में ना, तो हेलिकल स्प्रिंग को ओवरकम करने के लिए हमने एयर स्प्रिंग का यूज किया। हेलिकल स्प्रिंग को हमने ओवरकम क्यों किया, पहले हेलिकल स्प्रिंग में क्या दिक्कतें आ गई थी, जब लोड ज्यादा हो जाता था, जैसे कि कई सौ, जैसे हम 100% का एक बोगी में 100% की कैपेसिटी है, लेकिन कोई फेस्टिवल हो गया या लोकल ट्रेन्स हो गए उसमें कोई रिजर्वेशन तो होता नहीं है, तो वहां पे ज्यादा पैसेंजर्स हो गए, तो ज्यादा पैसेंजर होने की वजह से क्या होता है कि जो बॉगी जिसमें हम मतलब पैसेंजर चढ़े वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा तो जो हेलिकल स्प्रिंग होती है ना नीचे सस्पेंशन के लिए, वो स्टिफ हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो लोड पे डिपेंड करती है, वो उसके अंदर जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो लोड पे डिपेंड करेगा। ज्यादा लोड होगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप अपने छोटा मोटा स्प्रिंग भी ले लीजिएगा, अगर आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो एक परमिसिबल लोड पे ही वो अपने द्वारा अपनी शेप को रिगेन करती है, लेकिन आप ज्यादा कंप्रेस कर देते हो तो वो कंप्रेस ही रह जाती है। वैसे हमारे ट्रेन में भी हमारे सस्पेंशन के साथ होता था। फिर क्या हुआ कि हमने एयर स्प्रिंग का यूज किया। एयर स्प्रिंग में हम एयर की मदद से, एक बेलो होता है वो हमारे फ्यूल पाइप के साथ कनेक्ट होता है, वहां से क्या आता है, इसमें एयर आता है, कंप्रेस्ड एयर। अब कंप्रेस्ड एयर आता है तो ये क्या करता है, ये मतलब फूला फूला रहता है, जैसे भी प्रेशर आएगा जितना भी लोड आएगा वो फीड, यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस लगा होगा फीबा, वो उसको सेंस करके ना इसमें एयर कंप्रेस्ड एयर को भेजता रहेगा। कंप्रेस्ड एयर को भेजेगा, जैसे ज्यादा लोड हुआ, लोड होगा तो क्या होगा, पिचकेगा, साफ सीधी बात है ना, लोड होगा तो पिचकेगा। वो क्या करेगा, कंप्रेस्ड एयर को भेजेगा, वो उसको पिचकने नहीं देगा, वो उसको जो एक्चुअल हाइट है उसको भी मेंटेन करने के लिए मतलब कंप्रेस्ड एयर देता रहेगा। ऐसा क्यों, अगर पिचक जाए तो क्या होगा, हमारी राइडिंग भी मतलब जो भी ट्रेवल कर रहा है राइडिंग डिस्कम्फर्ट होगा, और जो हमारा एक क्लियरेंस होता है प्लेटफॉर्म से ट्रेन के बीच में एक क्लियरेंस होता है, ये जो बॉगी है हमारी वो प्लेटफॉर्म पे टकराए ना, ऊपर वाले जो कोचेस है वो नीचे टकराए ना, टकराएगा तो क्या होगा, हमारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स टूट सकते हैं और गाड़ी डीरेल भी हो सकती है या बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, वो हेलिकल स्प्रिंग में ऐसा सिस्टम होता था, अगर वो स्टिफ हो गया, दब गया तो सस्पेंशन नीचे चला गया, तो वो राइडिंग डिस्कम्फर्ट हो जाता था। इसमें ऐसा नहीं होगा, जो फीबा लगा हुआ है वो इसको कॉन्स्टेंटली सप्लाई करता रहेगा एयर को, उसको पिचकने नहीं देगा। लेकिन जब पैसेंजर उतर गए तब क्या होगा, तब ये एयर को रस आउट कर देगा, मतलब जितना प्रेशर आ रहा था वो नॉर्मल एक जितना हाइट है उसकी उसी को मेंटेन करके रखेगा। अब क्या बात होती है, कभी कभी और भी चीजें हैं, जैसे पहले दो स्प्रिंग लगे रहते थे मतलब सस्पेंशन लगे रहते थे ऐसे और ऐसे, अब ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगा, यहाँ पे लोग सब उतरेंगे तो ज्यादा लोड किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ है ना, तो ये कैसे हमारी जो ट्रेन है वो टिल्ट हो जाती है, मतलब इधर से तो हमारे सस्पेंशन ओके कंडीशन में है और यहाँ से टिल्ट हो गई, ऐसे टेढ़ी हो जाती थी, लेकिन इसके आने से ऐसा ऐसी प्रॉब्लम जो होगी वो नहीं होगी। ये क्या करेगा, दोनों को मेंटेन करके रखेगा, दोनों पे सेम प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, ये टिल्ट नहीं होने देगा। और सुपर डेंस क्रश लोड होता है कुछ, ये कुछ ऐसा कोई भाषा नहीं है, ज्यादा लोड लग जाने को बोलते हैं सुपर डेंस का, मतलब जब ज्यादा लोग सब आ जाए, ज्यादा लोग सब आ जाएंगे तो वेट ज्यादा हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा तो लोड ज्यादा पड़ेगा, और जब हम मतलब जहाँ पे जो कंडीशन होती है जैसे ऊपर नीचे, जहाँ ऊपर नीचे होता है या प्लेन रोड होता है तब तो सही रहता है, लेकिन प्लेन आराम से आराम से। ट्रैक रहता है तो सही रहता है, लेकिन जैसे हिली एरियाज हो गए या कोई डाउन डाउन मतलब डाउन स्ट्रीम सी आ गई तो वहां पे क्या होता है, जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो लोड बढ़ने लगेगा, तो भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये जो हमारा फीवर डिवाइस है या हमारा जो एयर सस्पेंशन है वो हेल्पफुल है ये सारे जो चैलेंजेस है इसको ओवरकम करने के लिए। तो मेनली टॉपिक तो फीवा है, लेकिन इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो एयर स्प्रिंग है, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि एयर स्प्रिंग होता क्या है। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम है इसका, फीवा का सिस्टमेटिक डायग्राम नहीं है, पहले हमें ब्रेक कैसे अप्लाई होता है और ये कहाँ पे कनेक्ट होता है और कैसे कैसे इसका सिस्टम होता है पहले वो समझना होता है। तो फीवा की जो फुल फॉर्म है वो है F से फेलियर, I से इंडिकेशन और B से ब्रेक और A से एप्लीकेशन। एक तो ये सबसे पहले
जब भी फेलियर हो जाएगा हमारा एयर स्प्रिंग में, तो ये ब्रेक अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिकली। अब वो ब्रेक अप्लाई ऑटोमेटिकली कैसे करेगा, उसके लिए हम ये डायग्राम समझते हैं। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए समझना। लेकिन सबसे पहले वो काम कब करेगा कि जैसे एयर स्प्रिंग कब फट जाएगा या जो हमारा बेलो है वो कब फट जाएगा, जैसे गाड़ी रन कर रही है या कोई पत्थर उससे टकरा गया हाई स्पीड में, जनरली हाई स्पीड में ऐसा ऐसी केसेस आते हैं। और फिर या कोई कैटल रन ओवर हो गया, उसमें कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नीचे आके टूट गया, तो उस समय फीबा एक्टिवेट हो जाएगा। और कैसे एक्टिवेट होता है, दोनों जो बेलो है अगर उस उनमें जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस जो भी है, जो मेंटेन है प्रेशर 3.94 जो भी मेंटेन है, अगर उसमें 1 kg per centimeter square का अगर प्रेशर डिफरेंस आ गया दोनों बैलों में से किसी में भी, तो अपने आप ही फीबा एक्टिवेट हो जाएगा। फीबा एक्टिवेट हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा, मान लीजिए आप ड्राइवर हैं या आप CNW स्टाफ है, तो आपको पता कैसे चलेगा फीबा एक्टिवेट हो गया? आपको तो पता ही होगा वैसे, लेकिन कैसे देखना है, वो रेड कलर का जो इंडिकेटर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा और उसमें से एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगेगी। वो हो सकता है कि पंचर हो, कभी भी हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। और सबसे मेन है कि आपका कंपोनेंट की वो रेड हो जाएगा, आपका जो फीबा है वो फीबा का इंडिकेटर है वो रेड हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जब ड्राइवर चला रहा है उसे, या आप लोग स्टाफ जो है वो अंदर बैठे हैं, तो एक दो जरूरी नहीं है कि एयर सस्पेंशन में कोई डिफॉल्ट आया तो गाड़ी में ब्रेक अप्लाई हो गया, किसी ने चेन पुलिंग कर दी तभी भी ब्रेक अप्लाई होता है। चेन पुलिंग और फीबा दोनों में जो ब्रेक अप्लाई होता है वो सेम फेनोमेना, मतलब सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें भी 8 mm जो चोक है उसमें से एक ब्रेक से जो अटैच होती है वायर उसमें से रस आउट हो जाता है जो एयर होता है, और इसमें भी ऐसा ही होता है। जो ब्रेक ये जो फीबा है अभी मैं बताऊंगा कैसे कनेक्ट है, वो ब्रेक पाइप से ही जाके कनेक्ट होगा, और वो जैसे ही अगर इनमें से किसी में भी डिफॉल्ट आएगा वो अपने आप ही ब्रेक अप्लाई हो जाएगा और गाड़ी वहां पे रुक जाएगी। फिर उसको अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर क्या करना पड़ता है, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पे ये होता है बॉगी चेक वाल्व बोलते हैं इसको, इसको क्या करता है इनको क्लोज कर देना होता है। फीबा के पास भी दो वॉल्व लगे रहते हैं, उनको भी क्लोज कर देना पड़ता है, उन दोनों को क्लोज करके और 60 km/h, ये एक जनरल कंडीशन है, 60 km/h की रफ्तार से फिर गाड़ी को हम आगे ले जाएंगे। ना ज्यादा कम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते हम, 60 km/h की रफ्तार से हम गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते, और अपने कंट्रोल ऑफिस में बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे कंडीशन हो गई है, ऐसे ऐसे यहाँ पे तो हमारा फीबा वो एयर सस्पेंशन है वो काम करना बंद कर दिया या कोई डिफॉल्ट आ गया इस पर। ये डायग्राम है, एक बार मैं बना देता हूँ फिर उसके बाद बताऊ। प्लस माइनस 5 mm होती है, मतलब 300 के अप्रोक्सीमेटली होती है, यही मेंटेन रहती है चाहे लोड लगा हो चाहे लोड ना लगा हो, या अनकंडीशन मतलब कोई लोड गिरा हो या लोड कम हो गया लोड ज्यादा हो गया, हमेशा यही मेंटेन रहेगा, 300 mm की हाइट मेंटेन रहेगी। कोई डिफॉल्ट आ गया तो वो अपने आप ही कम हो जाएगी तो क्या होगा, नीचे एक इमरजेंसी स्प्रिंग भी लगा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि डिफॉल्ट हो गया तो एकदम से बोगी बैठेगी नहीं, वो इमरजेंसी जो स्प्रिंग होगा वो क्या, यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे डुप्लेक्स वॉल्व है, डुप्लेक्स वॉल्व क्या करेगा वहां पे, डुप्लेक्स वॉल्व बचाता है वो, हम ये जो काम करता है डुप्लेक्स वॉल्व, ये 1.5 kg के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, मतलब दोनों में 1.5 kg का मेंटेन है प्रेशर, तो ना ये हवा इसको देगा ना ये इसको हवा देगा। लेकिन जैसे ही 1.5 से कम हुआ या 1.5 से ज्यादा हुआ तो ये क्या करने लगेगा, एक एयर प्रेशर जो ये कनेक्ट फीड पाइप से जो यहाँ पे लेवलिंग वाल्व से होते हुए जो पाइप आ रही है ये इसको ट्रांसफर करने लगेगा, जहां भी कोई रप्चर हुआ है मतलब जहां भी वो मतलब बेलो फट गया है तो वो उसको पास आउट करने लगेगा। वो ग्रेजुअली एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे स्मूथली वो जाके नीचे आ जाएगा और इमरजेंसी स्प्रिंग पे वो काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही सेम टू सेम इसका मिरर इमेज होता है, इस तरफ हमेशा लगे होंगे चार बैलो लगे होंगे, एक पूरे कोचेस में चार बैलो लगे होंगे, एक ये बोगी, इस वाली बोगी को हम बोल सकते हैं ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, वे राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल सेम टू सेम होता है, इसीलिए मैंने एक ही तरफ का बनाया। ये फीड पाइप से जो आ रहा है ये मेन रिजर्वायर 150 लीटर का होता है हमारा सिलेंडर, वहां से ये आया कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, ये डस्ट कलेक्टर होता है, ये NRV होता है, ये तो मतलब कोई नहीं, ये आइसोलेटिंग वे होता है बॉगी
आइसोलेटेड को कॉक बोलते हैं उसको, ठीक है। ये लेवलिंग वाल्व होता है, दो लेवलिंग वाल्व होंगे। तो लेवलिंग वाल्व में क्या होता है, लेवलिंग वाल्व देखा भी होगा आप लोगों ने काम करते वक्त, इसमें इंस्टॉलेशन लीवर अटैच होती है, वो इंस्टॉलेशन लीवर मेंटेन करती है लेवलिंग वाल्व को। जब वो अप डाउन करती है तो वॉल्व ओपन और क्लोज होता है, और एयर जो है, अब एयर लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया तो क्या चाहिए, एयर चाहिए ना उसको फुलाने के लिए। तो लेवलिंग वॉल्व क्या होगी, थोड़ी टिल्ट हो जाएगी, एयर उसमें से आएगा, जैसे टिल्ट हुई ऐसे करके, तो ये ओपन हो जाएगा स्पेस, उससे एयर आएगा और एयर उस बेलो को फुलाता रहेगा। अब लोड हट गया, मतलब पैसेंजर्स उतर गए, तो वो अपने आप अपनी पोजीशन पे आएगा और उसमें से एयर रस आउट होगा और अपने वो पोजीशन को मेंटेन कर देगा। पोजीशन कौन सी मेंटेन करेगा, 300 mm यही मेंटेन करके रखेगा, ना उससे नीचे होगा ना उससे ज्यादा होगा, अगर होता है तो उसमें प्रॉब्लम है, ये बात ध्यान में रखने वाली है। ये लेवलिंग वाल्व है, लेवलिंग वाल्व पे इंस्टॉलेशन लीवर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, एक रॉड जैसा होता है, यही मेंटेन करता है। ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे एयर सस्पेंशन से, एयर सस्पेंशन से दोनों लेवलिंग वाल्व कनेक्ट होंगे, और बीच में लगा होगा डुप्लेक्स वाल्व। डुप्लेक्स वाल्व के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होता है, एक इमरजेंसी मान के चलिए, इमरजेंसी वाल्व हो गया या सपोर्टिव वाल्व हो गया, अगर एक भाई को कोई दिक्कत आ गई तो दूसरा भाई सपोर्ट करने के लिए आ गया, एकदम से जो बॉगी है वो नीचे की तरफ ना आए, इससे क्या होगा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। जैसे हम सो रहे हैं और एकदम से कुछ हुआ तो क्या होगा, अलग सी वाइब्रेशन होगी, और झटके से अगर इंसान आएगा तो सबको डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, होगा तो ज्यादा कुछ नहीं लेकिन डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो उस डिस्कम्फर्ट को मेंटेन करने के लिए डुप्लेक्स वॉल्व लगा रहता है मेंटेनली, मिनिमाइज करने के लिए, हाँ मतलब मिनिमाइज करने के लिए डुप्लेक्स वॉल्व लगा रहता है, कि इसको जो एयर, जो कंप्रेस्ड एयर है, अगर कहीं रप्चर हो गया तो वहां पे वो गो थ्रू करते रहे, उसको देता रहे। फिर ये यहाँ से दो पाइप लगे रहते हैं, ये वैसे पाइप होते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं विद, इसके पास अपनी कॉक होती है, आइसोलेटिंग कॉक होती है, वो फीबा से कनेक्ट होते हैं, और फीबा से कनेक्ट होते हुए हमारे दो इंडिकेटर जा रहे होते हैं जो रेड और ग्रीन कलर के से मार्क होते हैं। रेड जब कोई दिक्कत आ जाए या ब्रेक लग जाए तो रेड हो जाते हैं, और ग्रीन जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ग्रीन रहते हैं। ये फीबा से कनेक्ट होते हैं, और फीबा कहाँ कनेक्ट होता है, ये ब्रेक पाइप पे कनेक्ट होता है, बीपी के पाइप पे। अब कभी अगर ये रेड हो गया, कोई ऐसी कंडीशन आ गई, फट गया तो ये रेड हो गया, तो क्या करेंगे हम, CNW स्टाफ है हम, अगर गाड़ी में है तो क्या करेंगे हम, ये आइसोलेटिंग कॉक को, ये जो ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक है इसको सबसे पहले बंद कर दोगे। हाँ सर, इसको हमें बंद कर देना है, इसको बंद कर देंगे तो ब्रेक क्या होगा, जो ब्रेक लग गया है तो वो नॉर्मल करना है ना, अभी हमें गाड़ी को आगे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बंद कर देंगे, इसको दोबारा से रीसेट करेंगे, दोबारा से रीसेट करेंगे, अगर हो पा रहा है तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये आइसोलेटिंग कॉक होगा इसको भी बंद कर देंगे, और फिर उसमें वो नॉब सी होती है हॉरिजॉन्टल हो रखा होगा उसको वर्टिकल कर देंगे, अगर ग्रीन कलर का मार्क आ गया तो फिर हम गाड़ी आगे ले जा सकते हैं, ग्रीन कलर का मार्क नहीं आया तो भाई 60 km/h वाली जो प्रोसेस है उसपे ले जाना पड़ेगा मेरे को, बस यही है। बढ़िया।